इसके लिए ये वाली जो जगह है यहाँ पे हम लोगों ने पहले कुछ और चीज़ें भी लगाई थी, जैसा कि आप देख लें, घास लगाई थी हम लोगों ने, पुदीना लगाया था हम लोगों ने, आलू लगाए थे हम लोगों ने, शलजम लगाए थे हम लोगों ने जनाब, धनिया लगाया था, उसके बाद हम लोगों ने मिर्चियाँ लगाई थी, नेचुरल प्योर नेचुरल ग्राउंडेड। उसके अलावा हम लोगों ने दो चार सब्जियाँ और लगाई थी। जो नेचुरल चीज़ होती है ना जी, चीज़ बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होती है जी। और ये है जी भिंडी की फसल, थोड़ी सी है, ठीक है, काफ़ी है। ये हमारे पुदीने की फसल है, और ये पीछे एक और फसल है जो हम लोगों ने लगाई हुई है जी। इसका पता है नहीं मुझे कि क्या है, लेकिन लगाई हुई है। मेरे ख्याल से ये ना करेले वगैरह या मोंगरे हैं। ये देखें जी, इसका ये जो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे अभी लगाया ही है, तो इसके पत्ते इस तरह अभी ये ग्रोथ करेंगे, तो ग्रोथ करके हम लोग यहाँ पे भी कुछ चीज़ लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल ये जो चीज़ लगी हुई है, इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये है एक्चुअली क्या है, क्योंकि पत्ते इसके काफ़ी छोटे हैं, ठीक है जी, काफ़ी छोटे पत्ते हैं जी इसके। अभी इसको ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हुआ है लगे हुए, बोए हुए फसल को ना, ठीक है जी। तो इस सब्जी को लगाए हुए भी 1 हफ्ता हुआ, तो ऐसा ऐसा जब ये बड़े होंगे तब इसका ओवरव्यू भी आ जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये है जी सब्ज़ी, ये देखिए हमने इसको पानी दिया हुआ है, ताज़ा पानी, अभी रात को, अभी थोड़ी देर बाद फिर देंगे जी। क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ लगा रहे हो कि स्टार्टिंग में, ये देखिए अभी तक ये ज़मीन वेट है, ये जगह वेट है, वो इसलिए है कि हम लोगों ने पानी, जो पानी की सप्लाई है ना जी, वो पानी की सप्लाई इनको पूरी आनी चाहिए, ठीक है, बगैर रुकावट के इनको पानी की सप्लाई पूरी आएगी, तभी इनका जो साइज़ है जो वो ठीक है वो बढ़ेगा। एंड दूसरी बात, हवा में जो नमी, जो चीज़ें इनको हवा में से चाहिए होती हैं, वो तो वैसे भी मिल जाती हैं, और सूरज की रोशनी, क्योंकि ये एक ओपन एरिया है, ऊपर आसमान है, डायरेक्ट जो है जी वो धूप मिल जाती है इनको। जो हम ज़मीन अभी इतने लंबे तो ये इनकी शाखें हुई नहीं ना कि हम इनको जनाब ज़मीन से ये पानी खुद ही चूस लें, वो तो कोई बड़ा पुराना 10,000 साल पुराना कोई दरख्त हो जिसकी शाखें बहुत अंदर तक गई हों, तो वो जो है जी वो उसके उस हिसाब से ना जी पानी चूस लेता है। लेकिन ये पौधे हैं छोटे छोटे पौधे हैं ये, तो इनको हम लोग पानी देंगे, इनकी शाखें, इनकी जड़ें, इनके तने, ये बढ़ेंगे, जब ये ग्रोथ करेंगे तो एक टाइम आएगा ये पानी के, ये क्योंकि छोटी फसलें हैं जी, ये बड़े कोई घने दरख्त नहीं है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती कि वो ज़मीन के अंदर से खुद ही पानी को ना चूस लें, ठीक है जी, इनको पानी देना पड़ता है, ठीक है जी। तो एक और चीज़ है जी, ये हम लोग वो भी आपको दिखा देते हैं जी, ये बनी हुई है जी, ये जी अभी इसका मुझे खुद नहीं पता ये है क्या, ये मेरे ख्याल से वो है जी, क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह आपका भला करे, कि ये है जो भी है जी, अभी सब्जी है जी, एक लगी हुई है बस, बल्कि मुरझा मुरझ हो गई, यूज़ हो गई है। तो ये देखें जी, अब ऐसी चीज़ों में, ऐसी चीज़ें तो पाई जाएंगी, मकड़ी जो है जो पाई जाएगी यहाँ पे, अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो, क्योंकि ये एक मट्टी मट्टी है जी। अब ये देखें, ये भी एक किस्म का पौधा है, पता नहीं क्या है, सही है जी, लगा हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं इन चीज़ों के फ़ायदों के बारे में। देखें, नेचुरल चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, उससे एक तो ये होता है कि यहाँ पे जो है वो हवा, ऑक्सीजन, वो प्योर निकलती है, नेचुरल